राफेल खरीद समझौते के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर को एक मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर जिला प्रधान जितेंद्र मित्तल व महामंत्री प्रवीण बंसल के अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जिला प्रधान जितेंद्र मित्तल ने कहा कि कांग्रेस सरकार बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर आज डिप्टी कमिश्नर के जरिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा गया है ताकि कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही झूठी अफवाहों पर रोक लग सके। देश के महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी के नाम के उत्ते एक ज्ञापन जिलाधीश लुधियाना के माध्यम के राही साढ़े सारे वर्कर्स देश भगत ताकत ने भेजे है कि जिहड़ी राफेल डील दे उत्ते जिहड़ा देश की सुरक्षा दे नाल जुड़िया विषय है उस विषय नूं प्रिटिकलाइज करके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दे प्रधान श्री राहुल गांधी जी ने देश की सुरक्षा नाल खिलवाड़ करन दा प्रयत्न किया और देश की अस्मिता नूं देश दे मान सम्मान नूं अपने पोलिटिकल हित साधन दे लई उन्होंने ठेस पहुँचाई है। बेसडेस गल्लां करके भारत दे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे वल्लों ए जजमेंट आन दे बाद कि ये जिहड़ा राफेल इशू है इस दे विच किसे प्रकार की कोई घोटाला नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरी डील है और सुरक्षा मुद्दों नूं मुख रखते हुए कुछ चीज़ां पब्लिक डोमेन दे विच शेयर नहीं कीतियां जा सकदियां। अज डीसी दफ्तर असी मानयोग डीसी दफ्तर डीसी साहब दे राही राष्ट्रपति जी नूं एक ज्ञापन दिता है कि असी जिहड़ा एक राफेल दे मुद्दे नूं झूठा प्रचार बना के राहुल गांधी ने देश भर दे विच प्रचार किया इहदे नाल राष्ट्रीय सुरक्षा जिहड़ी है राष्ट्रीय सुरक्षा साडी क्वेश्चन मार्क दे घेरे दे विच लियांदी ऐसे बंदे नूं लोक सेवा तो मुक्त कर दिता जाए ताकि वो इस सेवा दे लायक नहीं है जिहड़ा कि ऐसे साडी सुरक्षा नूं लै के अंतरराष्ट्रीय स्तर दे उत्ते साडा जिहड़ा ग्राफ है उन्हों घट करन दी कोशिश। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा सोनी की रिपोर्ट।